हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांश श्रीवास्तव ब्लॉग्स में। और आप देख रहे हैं शिवरात्रि के पावन पर्व पर माँ गंगा का स्नान संगम क्षेत्र में हम लोग करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर माताएं और बहनें, भाई बंधु सभी विशाल जनसंख्या में इकट्ठा होकर माँ संगम, आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र गंगा क्षेत्र में सभी श्रद्धालु दर्शन और संगम और गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। हमारी माताएं और बहनें यहाँ पे मस्ती के साथ स्नान और पूजन का लुत्फ उठा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, एक बहन लेट के स्नान कर रही है, आप देख सकते हैं। और ये नाविक लोग अपनी नावों को संगम के बीचों बीच ले जाने की तैयार। और आप जो ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके आप उधर नहीं जा सकते क्योंकि उधर माँ गंगा का आंचल बहुत गहरा है। सुरक्षा के लिहाज से नहाओ यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है। आप घाटों को देख सकते हैं, बोरी और बालू के सहारे बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि कोई भी श्रद्धालु हानि न पहुँचे। और खड़े हो जाइए, हमारे भाई साहब को देखिए, आओ दूर चलो, दूर चलो, हल्का दूर हुआ। हर कह रहे हैं वीडियो बना लो भाई, अरे चलो इनका भी वीडियो पूरा बन रहा है, देख सकते हैं आप। ये भी मस्त है, आवा ये देखिए, नहा नहा नहा। और दादाजी पापा को लाने जा रहे हैं, पापा नहा लेंगे उसके बाद वीडियो को ये देखिए। अब देख सकते हैं हमारे ये बड़े भाई हैं और कुछ श्रद्धालु नहा के बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची और जब तक अब स्नान और पूजन हो चुका है तब ये निकलने वाले हैं यहाँ से। अब हम भी आ चुके हैं गंगा स्नान के लिए। ये आपको बता दें कि 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के पर्व पर हम हमारे चाचा जी, बाबा जी, माता जी और हमारे दोनों बहन भाई मिल सारे लोग गंगा स्नान के लिए संगम क्षेत्र के आदमी आए हुए हैं। और यहाँ विशाल काय संख्या में सभी श्रद्धालु गंगा स्नान और शिव